Hey, y'all, come look at this. तो भाई कुछ मेरा भी इसी तरह का हाल था जब मैंने इन तीनों फ़ोनों की है वो प्राइसिंग है दोस्तों वो देखी थी। यहाँ पर बात कर रहे हैं सैमसंग गैलेक्सी M01, M11 और A31 के बारे में। अब तीनों के बारे में दोस्तों हम एक ही वीडियो में बात कर लेंगे क्योंकि मेरे हिसाब से यार ये तीनों अलग अलग वीडियो में आना डिजर्व दोस्तों नहीं करते हैं। फाइनली यार जो एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे कि आपको इन तीनों फ़ोनों को परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या स्पेक देखने को मिलते हैं, क्या प्राइसिंग देखने को मिलती है, और अगर आप चाइनीज स्मार्टफोन परचेज नहीं करना चाहते हो तो इस प्राइस सेगमेंट में नॉन चाइनीज ऐसे कौन से स्मार्टफोन है जो आप परचेज कर सकते हो, वीडियो को पूरा देख लेना, बिल्कुल आपको सही में चीज़ें वो यहाँ पर बताने वाला हूँ। करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट वीडियो को। तो यार 2 जून को तो M01 और M11 है दोस्तों वो लॉन्च हो चुके हैं M सीरीज के अंदर, लेकिन कहा जा रहा है कि आपको ऑफलाइन भी ये फ़ोन है वो देखने को मिलेंगे। मेरे हिसाब से थोड़ी सी अजीब सी बात है क्योंकि अगर ऑफलाइन लॉन्च कर रहे हो तो A सीरीज में शायद ये लॉन्च कर सकते थे। फाइनली दोस्तों M01 की प्राइसिंग आपको 9000 रुपये देखने को मिलती है 32GB वाले वेरियंट की। बात करते हैं सबसे पहले इसी के बारे में। यहाँ पर आपको दोस्तों 5.7 इंच की एक TFT पैनल देखने को मिलता है जो कि है दोस्तों HD+ रेजोल्यूशन का। यहाँ पर HD+ से मेरी कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मैं चाहता था कि यार सैमसंग है तो शायद एमोलेड डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाए, नहीं तो आपको IPS डिस्प्ले वो देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर भाई आपको ना तो सुपर एमोलेड मिली है ना आपको IPS मिली है, यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा डाउनग्रेड है। एक TFT पैनल है दोस्तों वो देखने को मिला है, और चाहे TFT भी आप दे रहे हो लेकिन जो डिस्प्ले का साइज है मेरे हिसाब से आजकल का ट्रेंड है कि यार 6 इंच से ऊपर की आपको डिस्प्ले वो देखने को मिलनी चाहिए किसी भी फोन में, क्योंकि यार आजकल सभी लोग अपने स्मार्टफोनों में मूवीज देखने और गेम्स खेलने के शौकीन होते हैं। तो आई थिंक जो डिस्प्ले का साइज है वो थोड़ा ही इंक्रीज कर सकते थे। लेकिन फिर भी दोस्तों आपको बैक साइड में यहाँ पर सैमसंग की ब्रांड नहीं देखने को मिलती है, प्लास्टिक की बिल्ड मिलती है, कोई आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो देखने को नहीं मिलेगा, 4000mAh की बैटरी है, नॉर्मल चार्जिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, 13+2MP का बैक कैमरा है और दोस्तों 5MP का यहाँ पर फ्रंट कैमरा है। इसके अलावा स्नैपड्रैगन के 439 के साथ आपको ये देखने को मिलता है। तो स्पेक के हिसाब से तो फोन काफी बेसिक है और इसकी प्राइसिंग दोस्तों आपको 9000 मेरे हिसाब से यार काफी ज्यादा है वो देखने को मिल रही है। यहाँ पर इस फोन की प्राइसिंग आई थिंक 7000 रुपये के आसपास होती है तो काफी सही चीज है, क्योंकि 9000 जब आदमी रुपए खर्च करेगा वहां भी 3GB वाला वेरियंट है, आई थिंक 4GB के साथ आजकल जाता ही है यार मिनिमम लोग, तो वहां पर आपको यार फिंगरप्रिंट स्कैनर तो भाई बिल्कुल बेसिक सी चीज होती है, तो यार ये तो आपको दे ही देना चाहिए, इसमें यार क्या शर्माने वाली बात हो गई। तो ये दोस्तों मुझे लग रहा है कि माइनस पॉइंट है M01 का, तो मैं आपको बिल्कुल भी यार रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आप चाइनीज स्मार्टफोन नहीं लेना चाहते हो तो आई थिंक इसी प्राइस सेगमेंट में आप LG का W30 है उसको भी ले सकते हो, वो भी काफी एक सही स्मार्टफोन है जहां पर आपको P35 देखने को मिलता है, अच्छे कैमराज देखने को मिलते हैं, LG ब्रांड की तरफ से आएगा तो वो भी काफी एक बेटर एक्सपीरियंस होगा, साथ में वो आपको स्टॉक एंड्रॉइड के साथ भी देखने को मिलता है, तो वहां प्लस पॉइंट है। बाकी अगर आप थोड़े से 10000 रुपये के आसपास जा रहे हो तो M30 आपको अब फिलहाल मिल सकता है सैमसंग की ऑफिशियल वेबसाइट पर, आप चेक कर सकते हो। बाकी ये जो फ़ोन है वो सेल में आएगा तब आपको इसी प्राइस में देखने को मिलेगा 10 से 11 की प्राइसिंग के आसपास, तो वो एक ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है इन कंपैरिजन M01 के, तो इसको आप याद रख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी M11 के ऊपर। यहाँ पर दोस्तों आपको 6.4 इंच की एक पंच होल वाली डिस्प्ले वो देखने को मिलती है, यहाँ पर दोस्तों आपको एक TFT पैनल है वो देखने को मिलेगा, तो मेरे हिसाब से यहाँ भी यार अगर आप वो सुपर एमोलेड डिस्प्ले देते तो काफ़ी अच्छी बात होती, क्योंकि सैमसंग की हमेशा से यही पॉलिसी रही है कि क्या आप चाहे परफॉर्मेंस कितनी घटिया दे दो, बिल्ड क्वालिटी कितनी घटिया दे लो, लेकिन हम कम से कम डिस्प्ले वो अच्छी देंगे। लेकिन भाई यहाँ उन्होंने ये काम भी नहीं किया है, तो डिस्प्ले भी इसकी बिलो एवरेज आपको देखने को मिलेगी, HD+ का आपको रेजोल्यूशन है वो यहाँ पर देखने को मिलता है, बैक साइड से ट्रिपल रियर कैमराज है, फिंगरप्रिंट डिस्कनर है, साथ में अगर बैटरी की बात करें तो 5000mAh की बैटरी, टाइप सी पोर्ट और 15W की चार्जिंग देखने को मिलती है, तो यहाँ पर एक सही काम किया है। बाकी इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 450 है वो देखने को मिला है, तो 450 यार 3 साल पुराना चिपसेट है, और इस फोन की जो प्राइसिंग है दोस्तों वो आपको देखने को मिलती है लगभग 11000 रुपये 3GB और 32GB वाले वेरियंट की। आई थिंक यार इस प्राइसिंग में भाई 4GB तो कम से कम आप लॉन्च करते, तो ये फोन भी दोस्तों मुझे कोई खास पसंद नहीं आया, क्योंकि यार स्नैपड्रैगन 450 बिल्कुल एवरेज चिपसेट है, कंपेयर करता हूँ मैं 439 और 450 को जो M01 है M11, तो भाई ये हेलियो P22 से कम्पीट करते हैं, तो आप खुद सोच सकते हो कि कैसी इनकी जो परफॉर्मेंस है वो रहने वाली है, अराउंड 11000 और 13000 रुपए के बीच में, तो काफ़ी ज़्यादा मार्जिन है। तो भाई प्राइसिंग अगर आपकी 11000 वाला फ़ोन परचेस करना चाहते हो सैमसंग का, तो आई थिंक कि M30 के साथ भी आप जा सकते हो, वो एक अच्छी डिवाइस है इससे काफ़ी ज़्यादा। इसके अलावा मैं बात करता हूँ 13000 रुपये वाले वेरिएंट की, तो भाई वहाँ पर तो आप बिना सोचे समझे गैलेक्सी M21 के साथ चले जाइए, वो इससे फार बेटर डिवाइस है। अगर मैं डिस्प्ले की बात करता हूँ, परफॉर्मेंस की बात करता हूँ, ओवरऑल सभी चीज़ों में यार जो गैलेक्सी M21 है वो एक काफ़ी अच्छी डिवाइस है, वहाँ बैटरी भी आपको ज़्यादा मिलती है। तो M11 M01 दोस्तों बिल्कुल हमारी जो आप कह सकते हो कि रिकमेंडेशन लिस्ट है उससे बिल्कुल यार बाहर होते हैं, ये फ़ोन मैं आपको बिल्कुल भी कभी भी परचेज करने के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा।
अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं आज ही लॉन्च हुए सैमसंग गैलेक्सी A31 के बारे में। यहाँ पर मैंने आपको एक वीडियो के जरिए बताया था कि क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, सेम वही चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं, बट प्राइसिंग आई थिंक यार काफ़ी ज़्यादा हो गई दोस्तों। A31 में आपको 6.4 इंच की एक एमोलेड डिस्प्ले, सुपर एमोलेड वो देखने को मिलती है, डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, सेम जैसे कि आपको A50s वाला सिस्टम है वो यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। पंच होल आपको देखने को नहीं मिलेगा, इन्फिनिटी यू टाइप की डिस्प्ले वो आपको देखने को मिलेगी, पर डिस्प्ले से मुझे कोई शिकायत नहीं है क्योंकि इस प्राइस में ये डिस्प्ले वो काफ़ी जस्टिफाई आपकी कर देगी। बाकी अगर बैक साइड से आपको तो पॉलीकार्बोनेट की बैक है तो यहाँ पर यार इस प्राइसिंग में, क्योंकि 22,000 रुपये में दोस्तों ये फ़ोन है वो लॉन्च हुआ है, तो 22,000 में तो भाई ग्लास की बैक इनको यार देनी चाहिए थी, बट फिर भी चलो छोड़ो इस चीज़ को। बाकी अगर हम बाकी चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर आपको हेलियो का P65 वाला चिपसेट है भाई वो देखने को मिल रहा है। P65 आपको अगर मैं बताऊँ तो रियलमी के 1 में दोस्तों आपको देखने को मिला था और वीवो के S1 में आपको देखने को मिला है, तो काफ़ी पुराना चिपसेट है और इसकी परफॉर्मेंस आप कह सकते हो कि हेलियो P70 उसी के आसपास की इसकी परफॉर्मेंस होने वाली है, उससे भी दोस्तों थोड़ी बहुत कमी मुझे देखने को लगती है। अगर मैं गेमिंग की बात करता हूँ तो कोई ज़्यादा इतना अच्छा चिपसेट दोस्तों ये नहीं है। इसके अलावा 5000 mAh की बैटरी है और 15W की फास्ट चार्जिंग है, टाइप सी का पोर्ट है। चार्जिंग भी दोस्तों मुझे लग रहा है कि 15W की यार इस प्राइस में भाई जस्टिफाई आप नहीं कर सकते हो, चार्जिंग को शायद ये थोड़ा बहुत इंप्रूव कर सकते थे लेकिन भाई इन्होंने नहीं किया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर कैमरा की बात करूँ तो 48 MP का प्राइमरी कैमरा है, 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल का कैमरा, 5 MP की आपको डेप्थ और मैक्रो देखने को मिलते हैं, साथ में 20 MP की आपको सेल्फी देखने को मिलती है, तो कैमरा सैमसंग के आप कह सकते हो कि अच्छे रहते हैं, इसमें मुझे कोई भी शिकायत नहीं दिखती है दोस्तों। तो फाइनली भाई सैमसंग गैलेक्सी A31 भी अपनी प्राइस को यार वो बिल्कुल जस्टिफाई नहीं कर रहा है। अगर मैं 22 या 23 हज़ार तक कोई स्मार्टफोन लेने वाला हूँ तो भाई मैं इस फ़ोन को क्यों लूँगा, मुझे कोई एक चीज़ ये बता दे सैमसंग, मैं यार सीधे सीधे जाऊँगा भाई सैमसंग गैलेक्सी A51 की तरफ। वहाँ पर थोड़ी डिस्प्ले मुझे बेहतर देखने को मिल जाएगी, कैमरा थोड़े बेहतर देखने को मिल जाएंगे, ओवरऑल एक थोड़ा बेहतर स्मार्टफोन वो देखने को मिलेगा। और अगर मैं इस प्राइस में ना भी जाना चाहूँ तो भाई 18,000 रुपये में तो भाई मुझे आराम से सैमसंग गैलेक्सी A50s है वो देखने को मिलेगा एक्जोनस 9611 के साथ, जहाँ पर मुझे एमोलेड डिस्प्ले, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर और ए सीरीज का फ़ोन देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको नोक सिक्योरिटी वाले ऑप्शन है वो भी देखने को मिलते हैं। तो फाइनली यार ये थे तीनों स्मार्टफोन, तो भाई ओवर प्राइज स्मार्टफोन है, इनकी जगह पर आपको जो मैंने रिकमेंडेशन बताई है तो आप उनकी तरफ जा सकते हो, वो थोड़ी ज़्यादा बेटर आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी दोस्तों इन तीनों फ़ोनों को देखकर मुझे ऐसा लगा है, आपने यार वो रेसिपी देखी है क्या जो आप रात में बची हुई रोटियों से सुबह कैसे सब्जी बनाए या सुबह कोई नई डिश कैसे बना सकते हो, तो मुझे लग रहा है कि भाई सैमसंग ने भी कुछ इसी तरह की प्रतियोगिता है उसमें भाग लिया है, क्योंकि जो बाकी कंपनियां अपने सामान का यूज़ नहीं करती है, यानी कि जो बाकी कंपनियों के लिए कबाड़ है, सैमसंग उन्हीं सभी चीज़ों को इकट्ठा करती है और एक नया स्मार्टफोन बनाकर आपको दे देती है। आई थिंक कि सैमसंग ने रिसाइकिल वाली चीज़ों में ध्यान दिया है, तो ये इस बात पर आप लाइक कर सकते हो सैमसंग के लिए कि उन्होंने कबाड़ से एक अच्छा स्मार्टफोन दोस्तों वो बना दिए हैं ये तीनों स्मार्टफोन। तो फाइनली भाई ये मेरी ओपिनियन थी इन तीनों स्मार्टफोनों के लिए, आपको क्या लगता है भाई आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हो। मैंने आपको नॉन चाइनीज ऑप्शन है दोस्तों वो भी बता दिए हैं इन तीनों स्मार्टफोनों के रिगार्डिंग कि कौन से आपको इन तीनों के बजाय लेने हैं जो काफ़ी आपको सही परफॉर्मेंस दे देंगे। इसके अलावा एक नई वीडियो भी दोस्तों आने वाली है जहां पर मैं नॉन चाइनीज स्मार्टफोन बताऊंगा आपको हर प्राइस सेगमेंट में, आपकी रिक्वेस्ट आई है इसलिए दोस्तों मैं वो वीडियो है वो बना रहा हूं, बस थोड़ा समय लगेगा लेकिन वो वीडियो दोस्तों जल्दी अपलोड हो जाएगी, क्या पता आपको आज ही देखने को मिल जाए, तो भाई स्टे ट्यून या नहीं तो आपको कल वो देखने को मिल जाएगी। बाकी दोस्तों मुझे लग रहा है कि सैमसंग 2015 में दोबारा वापस लौट चुका है, जब सैमसंग के पुराने स्मार्टफोन आते थे जो कि गर्म भी होते थे, हैंग भी होते थे, आई थिंक कि M01 और M11 के साथ उन्होंने शुरुआत कर दी है, क्योंकि एक दो महीने बाद दोस्तों वो फोन है वो हैंग होना और गर्म होना स्टार्ट हो जाएंगे, गर्म तो वो अब भी होते हैं लेकिन वो हैंग होना दोस्तों स्टार्ट हो जाएंगे। और सैमसंग गैलेक्सी A31 भी मुझे लग रहा है कि यार जस्टिफाई तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, इससे अच्छे सैमसंग के बहुत ही स्मार्टफोन जो आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आई डोंट थिंक कि यार सैमसंग ने भाई वो फोन है वो लॉन्च कर ही क्यों है ये तीनों। आप बताएं आपको क्या लगता है सैमसंग के तीनों स्मार्टफोनों के बारे में। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय भारत।